हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो प्रश्नावली 3.3 है, इसको मैं आपको आज आपको बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे से देखेंगे इसमें आपको करना क्या है, काफ़ी अच्छे से देखेंगे। डिटेल में आपको बताता हूँ और समझाता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, यानी परिवर्त होता क्या है। परिवर्त का मतलब मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि डायरेक्टली कि परिवर्त का मतलब होता है उल्टा, यानी ये जो स्तंभ है, मान लीजिए ये स्तंभ है, तो ये इस स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिख देंगे, यानी इसको प्लट कर ये ऐसे है, मान लीजिए ये कलम ऐसे है, तो इसको प्लट कर ऐसे कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लट कर ऐसे पंक्ति के रूप में कर देंगे। तो वही इसमें आपको सिर्फ दो ही, ये जो क्वेश्चन है इसको दो ही आपको बताने वाला हूँ, बाकी आप खुद ही करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में ज़्यादा समय न लेते हुए इसको स्टार्ट कर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्नावली 3.3, मैंने इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर उतार लिया है नोट पर, नोट्स पे मैंने ये उतार लिया है। निम्नलिखित अभ्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर देख के होंगे कि मैंने आपको बताया कि परिवर्त का मतलब उल्टा, ये जो स्तंभ के रूप में है तो पंक्ति के रूप में कर देंगे, और जो पंक्ति के रूप में रहेगा उसे स्तंभ के रूप में कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर लेंगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, कि जो कलम है उनको चेंज कर लेता हूँ इससे अच्छी देखने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हो कि 5 1/2 -1, इसको करना क्या है, परिवर्त के रूप में हल करना है। तो इसका परिवर्त लिखेंगे, परिवर्त बराबर, यहाँ पर परिवर्त मैंने लिख दिया। तो इसको जो मैंने आपको बताया कि जो ये स्तंभ है इसको पंक्ति के रूप में लिख देंगे, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर देख रहे होंगे कि 5 1/2 और क्या है, -1, ये जो हो गया आपका पंक्ति के रूप में होगा, यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह देखेंगे जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर क्या है कि इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं कि एक, ओ सॉरी, इसको काट देते हैं कि एक, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1 2 -1 3, -1 और 3, इसको भी आप व्यू के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, मैं इसको जगह के वजह से यहाँ पर लिख रहा हूँ कि परिवर्त बराबर, परिवर्त बराबर यहाँ पर। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो ये दो पंक्ति वाला है इसको कैसे लिखेंगे, दो पंक्ति दो स्तंभ वाला, तो इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसको यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ पर इस तरह कर देंगे, स्तंभ जो है इसको पंक्ति के रूप में कर देंगे, तो 1 और 2 जो है यहाँ पर चला जाएगा, 2, और ये है -1, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर, ठीक है। ये जो है आपका हो गया परिवर्त। तो इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन हल करने होंगे, इसमें परिवर्त के बारे में इस प्रश्नावली में ज़्यादातर दिया है आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।